रगबा जी आई। जी मिल्क किधर है? प्लीज मिल्क ला दो मुझे, और रेडीमेड नाश्ता है, फिर भी इतना टाइम लग रहा है। वो असल में पहले बॉस का फोन आ गया था, फिर बेल बज गई थी, हमीदा का बेटा आया था, कह रहा था कि आज अम्मा नहीं आएंगी, बीमार है, फिर इतनी देर में दूध भी उबल गया। अच्छा चलो ठीक है, अब तो ला दो ना, देखो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, प्लीज एक घंटा मत लगा देना। सुने आप देख लीजिएगा मुझे जरा दूध। मैं देख लेता हूँ। वाईफाई अभी डाउन होना था। नजमा वो तो भी आया तो जाके लॉन्ड्री से निकाल के दे दो कपड़े। नजमा मैं ऑफिस के लिए तैयार हूँ, इन कपड़ों में जाके वो मैले कुचैले कपड़े निकालूं मैं। तो मैले कुचैले कपड़े भी तुम्हारे ही हैं, जाके दे दो, मुझे बॉस को ईमेल भेजनी है। अरे तो ये काम तुम सुबह जल्दी उठकर किया करो ना। मैं उठती हूँ जल्दी, क्या मतलब? हाँ उठती जरूर हो, लेकिन एक घंटा खुद तैयारी में लगा लेती हो। अच्छा तो वर्क फ्रॉम होम का ये मतलब है कि मैं मतलब भंगी हालत में बस बैठ जाऊँ घर पे? हाँ नहीं, इंसान को प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। अब जाओ, चला जाएगा तो भी फिर मुझे लगानी पड़ेगी मशीन। Look at the time. मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चली जाओ तुम। तो बातें मत करो ना, जाके लॉन्ड्री दे तो आके नाश्ता कर लेना। ओके। दाहौल अबरक को बात, किस किस्म की बीवी से पाला पड़ा है मेरा। इतनी स्मेल, इतना परफ्यूम लगाता हूँ फिर भी यकीन नहीं आ रहा मेरी शर्ट्स हैं। आओ भाई जी आओ, छेती करो, पहले ही बड़ी देर हो गई है। अच्छा तो ये लो, खुद निकाल लो फिर। क्या है ना साहब जी, सबसे ज्यादा देर आपके दरवाजे पे लगती है। अपनी साइमा बाजी है ना, पहले से गिन के बांध के दरवाजे पे रख देती हूँ, बड़ा काम आसान हो जाता है। अरे काश मेरी भी साइमा भाभी जैसी बीवी होती तो अब तक लंच बॉक्स लेकर ऑफिस जा चुका होता, यहाँ सर ना खपा रहा होता। खैर ये कपड़े निकाल लेना और ठीक तरह धोकर लाना, और हाँ ये बास्केट यहीं छोड़ना, ये ना ले जाएं। अजीब बात में है, मैंने क्या करना है इस बास्केट का। चलो जी इससे मिला करो, टाइम घोटी हो जाता है साहब।